उत्तर बंगाल के चाय श्रमिक सहित हर तबके के लोगों को ममता सरकार ने किया वंचित। उत्तर बंगाल में नदी के रेत और पत्थरों की चोरी हो रही है। उत्तर बंगाल में बड़े कंटेनर गाड़ियों से मवेशियों की तस्करी की जा रही है। इस गिरोह को राहुल नाम का शख्स चला रहा है। अलीपुर द्वार के बीरपड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ये बात कही। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री से बातचीत कर कुछ दिनों के लिए गौ तस्करी बंद की गई थी, लेकिन फिर से शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि मैं आज असम के मुख्यमंत्री से फिर बात करूंगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उत्तर बंगाल के लोग और चाय श्रमिक वंचित हैं, और यहां तक कि उत्तर बंगाल के तमाम लोगों को ममता बनर्जी की सरकार ने वंचित कर रखा है। बताया स्वाधीनता काम का रुपया जन बल्ला जी, शुभेंदु अधिकारी जी, सुदाम जी, दिलीप घोष जी, हम सब लोग रोक दिया। बीजेपी वालों ने रोक दिया। हम लोग रुपया नहीं रोका है, हम लोग धरनी चूरी भ्रष्टाचार को रोक दिया है। मैं जब आ रहा था इस जनसभा में, तब मनीष सिन्हा जी ने भाषण कर रहा था, मानव जी ने बोल रहा था 1 करोड़ के आसपास फर्जी जानकार मिला है, आधार से जानकार का लिंक हुआ है, उसमें 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी जानकार निकला है। ये 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी जानकार में हंड्रेड सबको हजारों करोड़ों की संख्या में देश की रुपया ये लोग अपने पकड़ में ले लिया है, अपने अकाउंट में ले लिया है। इसका खिलाफ आप वोट नहीं करेगा। आप बोलिए प्रधानमंत्री आवास योजना हर किंडरगार्टन की वर्कर से लेकर, हर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से लेकर, हर गांव में रहने वाला को मिलना चाहिए है कि ना चाहिए? तो नहीं क्यों नहीं मिला? देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिला। बंगाल में 50 लाख घर मोदी जी ने दिया है, 1,25,000 करके हर घर में, लेकिन आपका पास नहीं आया है। टीएमसी का चोरों ने सब लूट लिया है। टीएमसी का चोरों ने उत्तर बंगाल की जितना काम है बोलने से हर बार उत्तर बंगाल को अपमान करता है, उत्तर बंगाल को वंचना करता है, उत्तर बंगाल का विकास प्रगति को खत्म कर दिया है ये लोग ने। हमारी चाय बगान के मजदूर हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी मान है। ये चाय बगान में पाटा को लेकर चाय बगान में एमपी एमएलए मंत्री जी है, वो सब सेंट्रल सिक्योरिटी को लेकर बाहर कैंप में चौकीदार की माफिक रहना चाहिए, नहीं तो चोर पार्टी वोट लूट लेगा, आपका जनमत को लूट लेगा। आपको रक्षा करना चाहिए डेमोक्रेटिक राइट। अगले 5 साल पंचायत कोई पार्टी का पंचायत नहीं रहेगा, ये आपका पंचायत रहेगा। बीजेपी का पंचायत में जनता का पंचायत रहेगा, पार्टी ऑफिस में, पंचायत मेंबर का घर में, प्रधान साहब का घर में कोई बेनिफिशियरी लिस्ट नहीं बनेगा। बेनिफिशियरी लिस्ट तैयार होगा ग्राम में, ग्राम संसद का मीटिंग में। ये कमिटमेंट में ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की ओर से पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी पक्ष थेके आपके विचार करछि जे आमादेर मेंबर प्रधानेर बाड़ी थेके बीजेपीर अफिस थेके प्रधानमंत्री आवास योजना के पाबे, शौचालय कार बाड़ीते हबे, नलबाहित जल कार बाड़ीते आसबे, बार्धक्य भाता कार बाड़ीते आसबे, हमारी एसपी का पेंशन, किसान का पेंशन किसको मिलेगा? ये लिस्ट हमारे घर में नहीं होगा, जनता का सामने होगा। ये भाजपा का वादा है, भाजपा का कमिटमेंट है, जनता का पंचायत चुनाव चाहिए।